तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप के इंग्लिश मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, वो भी आसानी से। जैसा कि मैं आपको लैपटॉप पर मोबाइल की स्क्रीन पाकर दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर जैसे देख सकते, काफ़ी इंग्लिश में मैसेज है, लेकिन मैं इसे आपको दिखा देता हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके। आप देख सकते हैं मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ वह हिंदी में हो जा रहा है। इसी तरह से आप भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश को हिंदी में पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान से। आपको जो भी पढ़ना होगा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने व्हाट्सएप के इंग्लिश मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो उससे पहले, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस बेल का आइटम को भी प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप मैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में दिया होगा तो आप दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा सेटिंग अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आके बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको अपने व्हाट्सएप आके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, कोई भी मैसेज मैं इंग्लिश में आया तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ ले रहा हूँ। इसी तरह से आप भी आसान से पढ़ सकते हैं, यदि आपको इंग्लिश नहीं आता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा सेटिंग करना, जिसके बाद आपके फ़ोन में ऐसा ही होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। इसलिए आप आज अपने फोन के प्ले स्टोर पर आपको सर्च में लिखना है व्हाट्सअप ट्रांसलेशन। यहाँ पर लिख के आपको ओके कर देना। उसके बाद यह ऐप ओपन हो जाएगा, तो आपको इसे यहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना। 10 MB का ऐप इसे आपको डाउनलोड कर लेना। इसमें मेन सेटिंग, बहुत लोग सेटिंग नहीं कर पाते कि क्या क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको इसमें सेटिंग करना है। तो इसे आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। उसके बाद एक ऊपर परमिशन मांगेगा, इस ऐप को आपको अलाउ कर देना। उसके बाद मेन यहाँ पर दूसरा परमिशन है, इसे आपको टर्न ऑन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर गलत लोग सेटिंग ऑन कर देते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम होता है, तो आपको सबसे नीचे आना है। नीचे से यहाँ पर थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिया स्विफ्ट ट्रांसलेशन, इस पर क्लिक करना। आपको अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑन रखना है इस सेटिंग को करने के लिए। अब आपको स्विफ्ट ट्रांसलेशन पहला ऑप्शन दिया होगा, इसे आपको ऑन कर देना। अब आपको बैक आ जाना, अब सेटिंग हो गया। यहाँ पर आपको टर्न ऑन करके एक बार उसे आपको दोबारा उसी पर कर देना है। अब आप देख सकते हैं, आपको एक बार बंद करके आपको दोबारा उसको करना है। यहाँ पर अब ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब बैक आ जाते हैं। आप देख सकते हैं स्विफ्ट ट्रांसलेशन ऑन हो गया है। तो अब आपको बैक आना है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझा रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है एरो पर। अब आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको सेटिंग करना है। यहाँ पर सभी इसको आपको फिलअप कर देना है, या अपने आप फिलअप होता है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया होगा, माई लैंग्वेज, फ्रेंड लैंग्वेज। तो पहले आपको इसका अर्थ समझना है। यहाँ पर फ्रेंड लैंग्वेज का मतलब होता है आपका फ्रेंड जिस भी भाषा में भेज देता होगा, मान लीजिए वो इंग्लिश में भेज देता है, तो आपको हिंदी में उसे करना है। तो आपको अपन फ्रेंड का लैंग्वेज आपको इंग्लिश में चुनना है, कि मान लीजिए वो इंग्लिश में भेज रहा है तो आपको इंग्लिश में चुन लेना। अब आपको उसे हिंदी में समझना, तो आपको अपना लैंग्वेज माई लैंग्वेज पर आपको हिंदी में कर लेना। मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आया तो आपको हिंदी में कर लेना। वो सभी जिस पर भी आप क्लिक कर देंगे हिंदी में हो जाएगा, आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो आपको अपना लैंग्वेज हिंदी में चुन लेना। यदि उल्टा उसको आप, यदि वो हिंदी में भेजता है आपको इंग्लिश में समझना, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और यह आइकन दिया है ऑफ है, तो इसे आपको ऑन कर लेना है। तो चलिए ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करने के बाद अब आपको बैक आ जाना। सब प्रोसेस हो गया, तो अब आपको बैक आ जाना। अब आपको व्हाट्सअप में आ जाना। अब आपको जो भी मैसेज पढ़ना होगा उस पर आपको क्लिक करना। जैसे कि मैं जो भी मैसेज पढ़ना चाहता हूँ उस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन दिया है, इस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप जिस भी मैसेज पर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी इंग्लिश का मैसेज होगा हिंदी में हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो भी मैसेज पढ़ना होगा पढ़ सकते, बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, यह व्हाट्सअप का ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। तो ऐसे ही वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।